मैं एक बार पुनः आप सभी भक्तगणों का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार जो सेंट कॉन्रेड इंटर कॉलेज बाईपास रोड आगरा में स्थित है पर स्वागत करता हूँ इस भजन संध्या का रसा स्वादन करने के लिए। हमारे बीच आज पुनः वीर रस के कवि योगी श्री गणेश कुमार बघेल जी मौजूद हैं जो अपनी ब्रज भाषा में एक सुंदर सा भजन सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो हमारे ये कार्यक्रम अच्छे लगते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें आप तुरंत उनको सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लें ताकि हम इसी तरह की प्रस्तुति आपको बारंबार देते रहें। धन्यवाद। दिल से तुझको पुकारूं मैं भगवन, दिल से तुमको पुकारूं मैं भगवन, तुम्हारे बिना कोई नहीं है। दिल से तुमको पुकारूं मैं प्रभु जी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, तेरे बिन को सहारा नहीं है। तेरे बिन को सारा जमाना, तेरे बिन सहारा नहीं है। दिल से तुमको पुकारू मैं भगवान, आशा भी कोई नहीं है। आशा है प्रभु जी तेरी और कोई आशा नहीं है। भक्त नरसी को तुमने उतारा, भक्त नरसी था गरीबी का मारा, उसने लगाई आस तभी आपकी, उसने लगाई आस तभी आपकी। बेटी रामा के घर जो गए थे वो किसी आफत ने घेरा नहीं है। मेरी आशा लगी है प्रभु तुमसे और कोई सहारा नहीं है। थोड़ी सी कृपा हो जायो मोहन प्रभु, मुझको भी ले लो तुम गोद में, प्रभु हमको भी दे दो जगह गोद में। दिनेश तेरा है तेरा रहेगा, दिनेश तेरा है तेरा रहेगा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको पुकारो मैं स्वामी और कोई सहारा नहीं है। बात चल गई थी, भी बता रहे थे पानी का बलबूला है, पता नहीं चलता। मेरे साथ में भी घटना हो गई परसों की। मेरे चाचा चूम सिंह ग्राम नौला जवाहर सिरसागंज के पास में परसों बात कर रहे थे और कल सुबह खबर मिली कि वो नहीं रहे, शांत हो गए। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश के चाचा चले गए। तुमने आहें जरूर भरी होगी, आवाज लगाई होगी, बस हमको ये है गम, हम पास नहीं थे, हम कहाँ चले गए।
सीता रण की कथा कहूंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में अयोध्या से चल करके सरयू पार करने लगे। मंत्री सुमंत को लौटाया और दंडकपुर में जाकर के ये रहने लगे। इधर रावण की बहन सुपर्णा का आना हुआ, देखने लगी, कहने लगे, तंदुरुस्ती देख करके भगवान राम की कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। भगवान बोले, हम शादी शुदा है, ओ लड़की पत्नी साथ में रखते हैं, अपने की सेवा दूसरे की बेटी बहन माँ समझते हैं। मेरे साथ में लक्ष्मण है, वो अपनी घरवाली लेके नहीं शादी तुमकी, उनसे तुम पूछ सकती हो। उस समय का वाकया था, लक्ष्मण ने भी मना किया तो अपना रूप बिकरार रख के सीता जी को दौड़ी तो लक्ष्मण ने उनके नाक कान काट लिए। अब ये बात लेकर के ये रावण के पास पहुंच जाती है। रावण के पास कहने लगी, रावण ने देखा क्या हो गया तो सुपर्णा कहने लगी, भैया दो लड़के भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए, हम रायक सीता नामी सुकुमारी सारी लाए, बाकी और लड़ाके हैं गो मैं शमशीर उन्हीं की हो, गो मैं शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागी रही उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, बस मेरी नाक काट डाली मेरे ये कान काट डाले, अब मेरी नाक गई सबई, अब अपनी नाक संभालो तुम, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ूंगा, पलकी लेंगे तो नाक छेद, पलकी लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। रावण कहने लगा, सुपर्णा तुमने ये बात हमारे पास आ गई, तुम खरवा दूसरे के पास क्यों नहीं गई? बोले, भैया मैं गई तो थी, मैं खरदू उछड़ के पास गई थी। हम गई थी वहां पर यो भैया, वहां पर गई हम खरदू उछड़ के पास, हम गई थी वहां पर यो भैया, मां वहां पर घोर संग्राम हुआ, लेकिन दोनों तपस्वी ने यूं दोनों का काम तमाम किया। भैया बह रही थी पृथ्वी रुधिर की धारा, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं गिर रही थी खड़ी खड़ी, दर्दन सबकी मां कटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और गर्दन सबकी कटती थी। जो रावण ने सुना प्रदूषण मारा गया तो कहने लगा, खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके को बिना भगवंता। कहने लगे, भगवान के सवाल से कोई मार नहीं सकता था, खरदूषण मारा गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे, अरे ऐसी बात है बहन, तो मैं जरूर जाऊंगा उसके पास। रावण कहने लगा, बहन
मैं आता हूँ, जो सुनाया अभी, मैं बदला लेकर के आता हूँ। कहने लगे, नारी की का नाक काटने से अरे होती है ऊंची नाक नहीं, होती है ऊंची नाक नहीं, अबला पर हाथ उठाने से होती है ऊंची नाक नहीं। उन्होंने ये काम किया तुम्हारे साथ में, मैं जा रहा हूँ, तू चिंता मत कर। उसी समय रावण कहने लगा, बहन मैं जाता हूँ। और सीधा वो रावण मारिच के पास गया है, अपने मामा के पास। मारिच से कहने लगे, मामा एक काम करो मेरा। बोले क्या? कि यहाँ पर राम लक्ष्मण नाम के लड़के आए हुए हैं तपस्वी, उनको एक पत्नी जो सीता है उसका मैं छल करूंगा। कि तुम हिरना बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम हिरना बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम लड़कों को बहलाना, मैं नारी है आऊंगा, तुम बामरगा बन जाना। मारिच कहने लगा, ये क्या बात कर, किसकी बात कर रहे? राम लक्ष्मण की बात कर रहा हूं। और मारिच को याद आ गई बहुत पुरानी बात। कहने लगे, भाई मामा रावण ये काम? बोले, राम लक्ष्मण अयोध्या वाले क्या? बोले क्यों, तू जानता है क्या? अरे विश्वामित्र यज्ञ वाला, हम जानते हैं, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और मैं पहुंच गया था। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, वो यज्ञ आज आँखों में जो सौयोजन पर फेंका था, वो राम बाड़ आँखों में। बोले तपस्या कर रहे थे ये लोग, यज्ञ कर रहे थे, हम चले गए और विश्वामित्र के कहने से नहीं, राम ने मुझे ऐसा मार मारा था, 100 यज्ञ दूरी पर पड़ा था, मैं नहीं जा सकता भाई, मैं आज भी याद आंखों में उतरी थी। बोले क्या? अरे पोत पुरानी बात लला, मेरी आंखों में उतरती जाती है, और सौयोजन वाली बतिया मेरी बात उखड़ती जाती है, आंखों में उखड़ रही है, दोबारा से मैं नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारिच कहने लगा, अब तुम दोनों ओर से अब मैं समझ में नहीं आ रही। अब सोचने लगा मारिच मन में, अब दोनों ओर से मौत मेरी आई है, इधर गिरे रे कुआ देखे, उधर गिरे तो खाई है। बोले क्या करूं? अरे इतना मैं अब कर सकता, ये इतना सदाचार हुआ, मैंने मन में समझ लई है, अब राम का है अवतार हुआ, तो ये मारने के लिए अवतार हुआ है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। वो एक उसके दिमाग में बात आ गई, यादव जी के सोचने लगे कि इसके हाथों से मरना, मैं उनके हाथों से मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। और मारिच सोने का मृग बन जाता है, मर जाता है। और रावण ने देखा साधु का वेश, रावण को ऐसा लगता था वेश बनाओ नंगे का, अरे खंजड़ी हाथ में ले लिए और भेष बनाओ भिख मंगा का। जैसे ही बनाया और सोने का हिरण पंचवटी के आगे भी दौड़ने लगा, सीता परम रुचर मृग देखा। सीता ने देखा इतना सुंदर हिरण, और सीता मृग को देख करके देखने लगी और कहने लगी, देखो तो कितना सुंदर है मृग जो सर्व सलोना है, और सर से लेके पांव तक सीधा प्रीतम सोना ही सोना है। बोले कितना सुंदर है? तो बोले इस मृग को आप ले आओ, कुटिया का सिंगार होगी, और यहाँ पर स्वामी डालूंगा क्या अद्भुत यादगार होगी। इसको ले आओ, भगवान ने कहा सीते इस हिरण को मरवाना चाह रही हो? कहने लगे ठीक है,
भगवान ने उठाया धनुष को और खींची बगडोर, लक्ष्मण लाल से कह दिया इशारा सीता और बोले तुम देखना मैं जा रहा हूँ। और भगवान चले गए और मारीच भी वो छिपा जाता था शरीर। एक कबूतर ना ऊपर पुजावे, कबूतर ना जमीर गए जाए, तक तक बाण के रघुवर मारे, हिरना की एक लगत पाए। जैसे भगवान पीछे पीछे चले और इधर रावण चला और कुटिया के सामने धीरे धीरे गाता गाता, सीता जी देख रही हैं, कोई मधुरी ध्वनि सुनाता है और गाना गा करके लग रही कुटिया की ओरी आता है। सीता जी देख रही हैं गाना कोई गा रहा है। इधर भगवान राम चले जाते हैं, मारीच के जब बाण लगा और वाणी ने एक बात की उसने, जैसे बाण उसके लगा, मरते वक्त मर गाने अरे मित्रता निभाई रावण के, और लक्ष्मण भैया टेर सुनो ये तनी कहते असमरण के। रावण ने मरते मरते मारीच को सुना, मारीच बोला, मारीच ने मरते वक्त भी मित्रता निभाई रावण की, भैया लक्ष्मण मेरी तेरा सुनो इतनी कह दे असंवरण की। इतना करके शरीर छोड़ गया और जैसे कुटिया में आवाज पहुंची और सीता जी कहने लगी, अरे लक्ष्मण मेरी बात सुनो भैया त्यारे कुछ दुख में है और पता नहीं क्या हो रे को है, इतनी इतने कष्टों के मुख में है, चले जाओ आवाज आई है, और भैया चले जाओ यहाँ से, वो अब तुमको मटेरते हैं, भैया किसी कष्ट में भैया की बाट हेरते हैं। लक्ष्मण कहने लगे, क्या बात कह रही है माता श्री, अरे कौन की हिम्मत है माता जो रघुवर को जो सताएगा, जो भैया को सताएगा, सूरज का जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधेरा आएगा। तुम क्या बात कह रही हो, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। बोले नहीं मैंने आवाज सुनी है भैया की, और कहने लगे, अब मैंने मन में समझ लिया मतलब का भाईचारा है। सीता जी कहने लगी, अब मैंने मन में समझ लिया मतलब का भाईचारा है, अरे घर से बन को आए और जब कछु भी स्वार्थ तुम्हारा है, इसमें कुछ स्वार्थ है जो तुम चले आए हो और तुम इतनी बात कह रहे हो। कहने लगे, और ये शब्द कोमल हृदय में ये शुद्ध हृदय में जाते जाते अरे रो रो कर हाय वो निकले, और सप्त हृदय में ठहरते हैं वो आंसू हो कर निकले। कहने लगे, भैया तुम ऐसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें माता मानता हूँ, मेरा क्या सार्थ हो सकता है। कहने लगे, माँ मानते हो, जो आज्ञा जो माँ मुझको माँ मानते हो तो आज्ञा मानो माता के, तुम आज्ञा मानो माता के, हम तुमको आज्ञा दे रही है सुन लेने जाओ भ्राता की, तुम चले जाओ। भगवान की बात आवाज सुनी, उनकी आवाज सुनी तो सीता जी कहने लगे, मैं सुन चुकी तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी आप चलने लगे तो उन्होंने बिना मन के बोले, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ जो भैया की आज्ञा नहीं मान रहा। कहने लगे, सूर्य चंद्र नव तारे देखने वाले सभी लोग, अगर कभी बात सामने गवाही वाली आ जाए तो कह देना, लक्ष्मण बेबस था इसलिए गया था छोड़ करके, जा नहीं सकता था। तभी उन्होंने एक रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद में भाभी कुछ भी हो जाए इसके बाद मन निकलना, कोई भी आ जाए। इधर
रावण की आने को हुआ। कहने लगे माता, कहने लगे बेटी, बेटी बच्चा दो मुझे, ओ बेटी मुझको बच्चा दो। और कुटिया में देखे के लग रही हो बेटिया बड़ी सदा या भागिनी हो। बोले क्या बात है, अकेली हो? बोले नहीं, बोले बच्चा दो। कहने लगी मैं इसके बाहर नहीं जा सकती, तुम चाहो तो ले जाओ मेरे पास से, लेकिन रावण जैसे रावण कदम बढ़ाता है वो रेखा रंग बदलती है। रेखा जैसे कदम बढ़ाया, रावण ने कदम बढ़ाया है वो रेखा रंग बदलती है। अरे आगे रावण बढ़ता है उसमें ज्वाला सी जलती है। कहने लगा ये क्या बात है। बोले अरे आगे कदम बढ़ाया यदि तो मेरा यहाँ पे मरण होगा, सीता का हरण नहीं होगा, मेरे प्राणों का यहाँ पर हरण होगा। बोले मेरा हरण हो जाएगा, मैं क्या करूं। सीता से कहने लगे देना हो तो दे दो, मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता बंदी हुई, बाहर आके दोगी तो भिक्षा लूंगा और साधु यहाँ से चला जाएगा। कहने लगी सीता जी, अब बोलने लगे अब अरे आन रहे न रहे दिवरा की, अब ध्यान रखूंगी ध्यान गृहस्थी का, बाबा को दान में दे दूंगी, तोड़ूंगा धर्म गृहस्थी का, मैं दान दे दूंगी। और जैसे ही आगे बढ़ी है और रावण ने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगे ओ खबरदार यो सीते हो, तू अब मेरे पंजे में है, मैं लंका का राजा रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे में है। कब्जे में है, कुछ भी करो। तो रावण की बात सुनकर सीता को ऐसा लगा जैसे एकदम से धरती पैरों तले खिसक गई हो। सुन के रावण के नाम को सीता वहीं बेहाल, ओ तुरंत संभाल लाओ अपने को, बोली करके लाल। एक तो संभाल लिया, बोले घबराने से कुछ नहीं होगा। कहने लगे लाल हो गए, गुस्सा हो गई सीते। कहने लगी रावण अरे दानी के बटुए की सरवर झोली करे भेक मंगे की, जो दान कर रहा है उसके बटुए की सरवर भेक मंगा कर रहा है क्या। अरे तानी के बटुए की सरवर कर रही झोली भिख मंगे की, सूरज पे चढ़ने की चाह रख रहा है वो है चाह नीच पतंगे की। पतंगा सोच रहा है सीज पे चढ़ जाऊं, तू समझ नहीं रहा है। बोले नीचे ठहर जरा, मेरे मेरे पति अब आने वाले हैं। बोले धीरे धरो जरा, तुम मेरे पति जो जाने वाले, जो धन से तोड़ के लाए यार कोई मेरे रखवाले हैं। तू समझ रहा है मैं कौन हूँ। रावण कहने लगा अब तुम मेरे साथ जाओगी। तो सीता जी कहने लगी तू किसकी बात कर रहा है। अरे जितने तारे मेरे रोआ में हैं और सूर्य चंद्र भ्रकुटी में है, और क्या समझ रहा हूँ वो पगले सारा नभ मेरी भ्रकुटी में है। हाँ कहने लगी ये चंद्रमा सूर्य मेरी चुकटी में है और जितने तारे हैं मेरे रुआ में है, और तू ये समझ रहा है जो मेरी भ्रकुटी के आगे। बोले अरे सतबंदी के सत को पगले तू कभी तोल नहीं सकता, सतवंती के सत को पगले तू कभी तोल नहीं सकता, और सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। बोलो तू क्या समझ रहा है। और सुन तू इतनी बात कर रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं हो सकता। चारों दिशा चारों भुजाएं मैं चाहूं तो एक मिनट में तुझे धूल में मिला दूं। तब तक सीता जी को हाथ पकड़ा रथ में सवार हुआ। कहने लगे अब हुआ वही ओ गुरु जी जिसका डर होने वाला था,
सीता बैठी रथ में और रथ गढ़लंका को जाता था। जाने लगा, सीता जी कहने लगी मैं तुझे देख लूंगी। और इस तरह से रावण सीता को लंका की ओर ले जाता है। इस तरह से रावण सीता जी को लंका की ओर ले जाता है।